कीमत लगाई आप? 75 लाख? बस 75 लाख में बेटी बेच दी? क्या ढूंढ रही हैं? अभी मुझसे बात ना करो, जाओ यहां से। ये कहीं तो नहीं ढूंढ रही हैं? सत्यानाश हो जाए, ये तुम्हारे हाथ कहां से लगा? दो मुझे। राज खुल गया अब आपका। शर्म नहीं आती माँ को सताते हुए? आपको शर्म आई बेटी बेचते? इतनी पतली हाजिर, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? माँ जानती है, जब ये लफ्ज सुनती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो। जालिम, खुदगर्ज, लालची, अल्लाह जाने किस बात की सजा मिल रही है मुझे। दिल उजाड़ने से बड़ा गुनाह कोई होता है? बानो माफ कर दो मुझे, माफ कर दो बानो, तुम्हारी माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें उस दोगले और लालची इंसान से शादी नहीं करने दी। कैसी माँ है आप? बेटी बेचने वाली को माँ कहा जाता है? क्या कीमत लगाई आप? 75 लाख? बस 75 लाख में बेटी बेच दी? इन्हीं पैसों से तुम लोगों के लिए घर खरीदूंगी। अरे माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटियों को जमाने की नजरों से बचाने के लिए उनके लिए ढाल बन जाती है, खासकर उस वक्त जब बाप का साया ना हो, सर पर छत ना हो। वो तो अल्लाह मेहरबान हो गया जो बासित जैसा लड़का आयशा को ब्याहने आ गया, और वो भी मेरे कहने पर चुपचाप राजी होगी, तुम्हारी तरह नहीं जो उस पराए लड़के के लिए अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और वो ब्याने भी नहीं आया तुम्हें। कैसे आता? तलाल के पास बासित की तरह 75 लाख नहीं था ना आपको देने के लिए? वसीला अल्लाह बनाता है, वरना इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो जरिया ही बनाकर भेजता है किसी को। काश आपको ये बात समझ में आती। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बस कर दो बानो, मेरा सर घूम रहा है, और हटो आगे से, मुझे मालिक मकान के पास जाना है, हटो। आयशा को पता है 75 लाख कीमत लगाई है? कौन बताएगा उसे? और तुम ऐसा नहीं करोगी, खुद को तो बर्बाद किया है तुमने। अरे उसे तो बसने दो, इसी में हम सबका भला है। सो अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लर्न नहीं जाऊंगा की प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY डिजिटल एंड यू विल फाइंड अस देयर विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड।